ओके गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं डिवाइड वाले सम्स। ठीक है, पीएक्स वाला हो गया, फाइंड जीरोस हो गया, वेरिफिकेशन वाला भी हो गया, आज अपन करते हैं डिवाइड वाला सम। ठीक है, तो यहाँ दो पॉलीनोमियल दे दिया गया है, तो बीच में सिंबल देखो डिवाइड है या नहीं, तो लिखा होगा डिवाइडेड बाई करके, तो देख लेने का। तो सबसे पहले जैसे अपना डिवाइड मेथड था वैसे इसको भी लिखना है। जो क्वेश्चन पहले अंदर लिख दो, क्यूब प्लस 3x² + 2x + 20, और जो डिवाइड कर किससे करना है वो साइड में लिख दो। ठीक है, यहाँ तक तो डिवाइड जैसे ही लिखना है और डिवाइड जैसे करना, बट यहाँ मेथड थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या करने का, फर्स्ट नंबर अब डिवाइजर का और डिवाइडर का दोनों में से फर्स्ट नंबर ले लेना। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है x4, आपने ये करना है, और यहाँ पे क्या x2। ठीक है, दोनों को पहले डिवाइड कर लो रफ में। तो x4 में से x2 गया तो कितने बचेगा, x2। ठीक है, x4 में से स्क्वायर गया तो क्या बचा, x2, जो बचा वो यहाँ लिख दो ऊपर। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद जो बचा है वो वैल्यू यहाँ लिख देना ऊपर। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करते जाओ तीनों नंबर को, इससे पहले फिर इससे ऐसे तीन बार मल्टीप्लाई करना है। x² × x² कितना हो जाएगा, x4। यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस 2 × 2x² और 2x³। ओके, फिर 2 × 2x² तो 2x². अब यहाँ पे सब प्लस प्लस है तो नहीं कट हो सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में माइनस नहीं करना होता है, तो माइनस का सिंबल लगा दो यहाँ पे। यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस, तो इसमें ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, बचा क्या, 3 × 2 गया तो x² + 2x + 20। ठीक है, अभी फर्स्ट फिर से वही स्टेप, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड विथ डिवाइजर का फर्स्ट नंबर, x² कट गया तो बचा क्या, 1। क्या बचा, 1, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, यहाँ जो बचा वही लिखने का। मतलब ऐसे तो मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, बट तुमको इजी मेथड ये है कि साइड में रफली डिवाइड कर लोगे, जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पे आपको लेना है। x² 1 से इंटू करें तो सेम टू सेम ही आएगा, x² + 2x + 2। सिंपल चेंज कर दो, प्लस तो माइनस, ये कट गया, ये 2x + 2x - 2x कट गया, 20 × 2 गया तो कितना बचा, 18। रिमाइंडर क्या हो गया, 18। क्वेश्चन ये है, qx लिख दो, क्वेश्चन x² + 1 और रिमाइंडर rx लिख दो, 18। ठीक है, समझ में आया। ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट नंबर ये फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट नंबर, तो जो आंसर आता है वो ऊपर लिख दो, उससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख के। और याद रखना हरदम कभी भी कुछ भी हो जाए माइनस ही करना आपको। यहाँ अगर माइनस होता, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता, बट यहाँ पे प्लस ही है स्टार्टिंग में, तो अपन को क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो एक सम नोट कर लो। तो आज का सेकेंड सम, यहाँ क्या दिया, x³ - 3x² + 5x - 3 डिवाइडेड बाय x² - 2। ठीक है, तो पहले मैं वो सेम लिख देता हूँ, x³ - 3x² + 5x - 3, और यहाँ पे क्या है, x² - 2x। तो यहाँ पे नोट करें कि क्या चीज है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, देखो x² है बट x नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं 0x लेके करते हैं, बट उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा, सो आप लोग नहीं मानना, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं अपन। अभी फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है, x³, यहाँ पे क्या है, x³, और यहाँ पे क्या है, x², ठीक है, x² लिख दिया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो क्या है यहाँ पे, x। सर मैं यहाँ पे डिवाइड किया था मैंने, यहाँ पे 2 काट दिया, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो x बचा। ठीक है, तो वो x यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी x² × x कितना होता है, यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या माने का 1 माने जाता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो x³। सुनाया, फिर माइनस 2 × x, 2x, तो ये वाला देखो x² वाला है, बट अपना आंसर किसमें आया, x, तो x के नीचे लिखने का इसको, 2x। समझे माइनस क्यों है, या माइनस इसलिए माइनस 2 × x, 2x, गॉट इट, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, इसीलिए एक मिसिंग आएगा, तो एक वाला मिच जो नहीं है उसके नीचे वो नंबर लिखना नहीं। ठीक है, तो माइनस तो क्या करने का बोला मैंने, प्लस, तो ये कट गया। अब ये एस प्लस उतार दो इसको सिंबल के साथ, माइनस हो तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। अब ये दोनों प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होगा, 7x - 3,
अभी फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर पूरा कट गया, बचा क्या है माइनस थ्री, कितना बचा -3, तो यहां -3 लिखना है, लिख लिया -3, तो एक्स स्क्वायर इंटू थ्री, तो -3x2 माइनस प्लस 3 × 2 = 6, खाली 6 है तो नंबर के नीचे लिखना पड़ेगा +6, गॉट इट, क्योंकि x के नीचे x नहीं आ रहा है इसलिए x नहीं लिखेंगे। अब माइनस तो यहाँ पे क्या करने का प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये कट गया, 7 + 7 उतार दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस करते हैं, पर सिंबल कौन सा होगा माइनस में, 6 + 3 = 9, ये आगे रिमाइंडर, लास्ट में ऐसे लिख देने का कि क्यू एक्स मतलब कोशेंट, कोशेंट के एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर आर एक्स इक्वल्स टू कितना है 7x - 9, ठीक है सर, मैं ना जो नंबर मिसिंग है तो उसके बीच में मिसिंग आएगा सर, माइनस प्लस माइनस नहीं होगा।